नमस्ते बालाजी हिंदी प्यारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट होगा ऐसा नहीं है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी भी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये रीडिंग होगी 20 से लेके 26 जुलाई तक की। 20 से लेके 26 जुलाई तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। उतना ही रेजोनेट करवाइए जितना कि आपको लगता है कि इतनी बात मेरे लिए सही है। जबरदस्ती से रेजोनेट करवाने की जरूरत नहीं है और फिर आके कुछ उल्टा सीधा बोल देना आप लोग झूठ बोलते हो, ये करते हो, वो करते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, हर बात आपके साथ रेजोनेट होगा ऐसा नहीं है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स। लियो यानी सिंह राशि आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। लियो देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। आपने देखा ये जो तीन कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो पर्सन अभी बहुत ज्यादा अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है अभी फिनेंशियल स्टेबिलिटी की जरूरत है। कुछ चीजें हैं आप लोगों के अंदर, आप लोगों की रिश्ते में जो चीज उनको परेशान कर रहा है, कुछ चीजें वो अपने दिल में लगा के रखा है, अपने दिल से लगा के रखा है कुछ बातें। खुद को अपने आप को ये सॉलिटेयर रखना चाहते हैं, अकेला रहना चाहते हैं, कम बोलना, चीजों को ऑब्जर्व करना, बातों को ये अभी तक नहीं बुलाए। जिस भी बातों से आप लोगों में परेशानी आया है उस बातों को ये अब तक नहीं बुलाए। साथ ही साथ ही आपने खुद की फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहा है, उनको ये लगता है कुछ भी करके अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखना चाहिए, जिसकी वजह से ये मेहनत करना चाहते हैं, कुछ नया कुछ करना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये बंदा या बंदी जो भी है, कुछ पुरानी बातों से, पुरानी परिस्थिति से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ लोग घर वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, पैसे सेविंग्स करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन को इन्हेंस करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं हर स्थिति में बात करने से प्रॉब्लम बढ़ता है ये सोच के चुप रहना पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो भी करेंगे अपनी स्टेबिलिटी के लिए नया कुछ करने के बारे में आपके पर्सन करेंटली सोच रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। लियो यानी सिंह राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हो, देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या है। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि आपके पर्सन चाहते क्या है। लियो यानी सिंह राशि आपके पर्सन चाहते क्या है।
मुझे लगता है आपके पर्सन जो जिनके साथ आप रिश्ते में हो, कार्ड पहले दिखा दूं, हाई प्रिस्टेस किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। मैंने पहले भी कहा आपको, करंट एनर्जी में भी जो कहा अभी भी मैं वही कहूंगी, ये बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये बहुत ज्यादा समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड करता है बंदा या बंदी, या फिर करने की कोशिश कर रहा है। ये चाहते हैं कि अपने सेल्फ डिपेंडेंट होना, खुद के पैरों पे खड़ा होना। अगर ये पहले से ही काम करते हैं, ऐसे कोई बंदा दुनिया में अभी नहीं है जो कोई कुछ नहीं करता है, तो ये तो कुछ करता ही है डेफिनेटली। उसको और इन्हेंस करना, कुछ सीक्रेट चीजें इनके दिमाग में चल रहा है कि ये कुछ बड़ा कुछ करने के बारे में सोच रहा है, किसी के साथ मिलके कोई बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। अगर आप लोग सेम फील्ड पर हो, एक साथ एक ही ऑफिस में जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, तो ये आपके साथ मिलके कुछ काम वगैरह करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये अपने सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को सीक्रेटिव रखना चाहते हैं। जब तक कोई काम नहीं हो जाता है तब तक ये कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। अपने एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्टोर कर रहा है, मेंटल स्थिति जो है इनका बहुत स्ट्रांग बन गया है। अभी पहले जैसा ये नहीं सोचते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना जान गए हैं। सामने वाले की मूड के अनुसार ये बात करना सीख गए हैं और करते भी हैं, करेंगे भी। साथ ही साथ सेल्फ डिपेंडेंसी की जो एक जुनून सवार है उन पर, कि जब तक मैं पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, तब तक मुझे प्यार के बारे में कम से कम नहीं सोचना है। फर्स्ट मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी वो सेल्फ डिपेंडेंट होना। इसके लिए ये किसी के साथ मिलके नया जॉब बिजनेस वगैरह शुरू करने के बारे में भी सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहले ये सब नहीं करता था या करती थी, ये पहले भी करता था। इन दिनों इनके दिमाग में जुनून सा सवार है कि मुझे ये करना ही करना है, जिसकी वजह से ये बहुत सारा प्रसाधन क्या बोलते हैं उसको, जो सोर्सेस ये ढूंढ रहा है कि इस तरीके से नहीं हुआ तो उस तरीके से, उस तरीके से नहीं हुआ तो उस तरीके से, मतलब तरह तरह की चीज़ों में अपना स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी खास करके ये ढूंढ रहे हैं। और उनको ये लग रहा है कि किसी की मदद से ये डेफिनेटली काम को आगे बढ़ा पाएंगे। साथ ही साथ ये एक्शन लेने के भी बारे में सोच रहा है, आपके साथ भी बात करने का, क्योंकि इनको लगता है कि अगर कुछ काम, कुछ बिजनेस ये सब करना है तो ये आपके साथ भी बात कर सकते हैं। तो ये आपके साथ बात करने के बारे में भी सोच रहा है, एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहा है, और जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम इनके हैं उसे सही करने के बारे में भी सोच रहा है। अभी हम देखेंगे इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं अभी आपके पर्सन के एक्शन क्या रहेगा। अगर ये कोई एक्शन लेता है, क्योंकि डेफिनेटली ये बंदा या बंदी रिश्ते में एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, आपसे बात करने के बारे में सोच रहा है, तो अगर ये एक्शन लेता है तो इनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। लियो, आप किसी एरिस, लियो, सजिटेरियस, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर के साथ डील कर सकते हो। आगे आगे देखते हैं क्या आता है।
टेन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड द फूल के कार्ड। मुझे लगता है ये रिश्ते में जो भी बर्डन था, जो भी परेशानी थी, इन चीजों को ये खत्म करना चाहते हैं। डेथ के कार्ड आए हैं, जो भी पेनफुल सर्कल चल रहा था, क्योंकि ये बंदा या बंदी एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा, ये इंतजार कर रहा है सडन कुछ मोमेंट का, जिसकी वजह से ये अपना एक्शन ले पाए, डिसीजन ले पाए। ये रिश्ता उनके लिए पहले बर्डन बन गया था, लेकिन अभी वो धीरे धीरे उन चीज़ों को समझने लगा है। इनके सर पे जो भी सारा जिम्मेदारियां थी वो भी है अभी भी, और इसको कम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि उनका जो भी जिम्मेदारी है, जो भी परेशानी है, जिस वजह से ये रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी इनके पास कम थी, तो वो उन परेशानी को खत्म करना चाहते हैं और रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, जीरो से शुरू करना चाहते हैं। फूल के कार्ड आए हैं, ये रिश्ते में नई शुरुआत करना, आगे बढ़ाना, रिश्ते को शुरू से शुरू करना, इन चीजों के बारे में सोच रहा है कि जो हो गया सो हो गया, जो पेनफुल सर्कल चल रहा था रिश्ते में उसे खत्म करना चाहते हैं और अपने लाइफ को नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये ऐसा सोच रहा है कि रिश्ते को स्टेबिलिटी भी दिया जाए, रिश्ते में एक स्टेबल ऑफर भी आपको दे सकते हैं। ये आपके साथ रिश्ते को जिस परेशानी से चला रहे थे, जिस परेशानी से आप लोगों का रिश्ता चल रहा था, उस परेशानी से रिश्ते को बाहर लाके रिश्ते में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। डेथ का कार्ड, डेथ इज मीनिंग रिबर्थ। जब कुछ चीजें खत्म होता है तभी कुछ नया शुरू होता है, तो ये परेशानी को खत्म करके। जीरो का कार्ड आया है, फूल का कार्ड, दैट्स अ न्यू बिगिनिंग, ये नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है, जो भी परेशानी है ये खत्म हो जाए और रिश्ते में नई शुरुआत हो जाए। परेशानी खत्म करके रिश्ते को नई शुरुआत देने के लिए एक्शन लेना चाहते हैं और एक्शन लेंगे भी, और एक स्टेबल ऑफर भी हो सकता है या आपको दे सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, एरीज लियो सजिटेरियस भी हो सकता है। वैसे मेजर अर्कना के बैक टू बैक एक दो तीन कार्ड आए हैं, तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, टॉरस वर्गो भी हो सकता है। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं, नंबर वन, हेल्पफुल पीपल गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड कंप्रोमाइज। आपको अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसको बढ़ाना चाहिए, लोगों से बात कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। अपने जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो सकता है वो चीज़ आपके आमने सामने ही है, तो आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहिए और थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ की, बैलेंस की ज़रूरत है। हर रिश्ते में थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जब तक आप थोड़े कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे, कोई भी रिश्ता पूरी तरीके से सही नहीं होगा। मतलब आपको रिश्ते में बैलेंस करने के लिए आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जो आप जानना चाहते हो, जो आप ढूंढ रहे हो सकता है वो आपके आसपास ही है। आप अपने जिनके साथ आप रिश्ते में हो उनके बारे में अगर आपको कुछ जानना है, आप अपने लिए जो कुछ सही चीज़ें सोच रहे हैं उसके लिए भी आपको अपने आसपास के रिश्ते में, दोस्तों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों की मदद कीजिए। साथ ही साथ बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप गैदर कीजिए, जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हो उसके लिए आपको पहले बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए।
और तीसरी बात मैं ये कहूंगी, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज कीजिए, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज मतलब बैलेंस करके चलिए, तो जो आप मांग रहे हो, जो आपको चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।